लेकिन कितने भक्त अपने अपने घरों में अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से प्यार करते हैं। कितने भक्त बेटियों से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगा। आपकी ये जो हाथ उठे इससे एक बात पता लगती है, आप में से कितने भक्त बाबा की सेवा में बैठे हैं, जो बेटियों को बोझ नहीं मानते हैं वो हाथ भर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि आप सच्चे भक्तों में से एक हैं। लेकिन एक जवाब मांगना चाहता हूँ साईं के दरबार में, फिर भी बेटियों को क्यों मार दिया जाता है? 1000 लड़कों पर 700 लड़कियां, एक भजन जिसको पूरे विश्व ने प्यार दिया है, पंकज राज की छोटी सी मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको सरकार ने अपनाया है। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ यहाँ पर लोगों से कि बेटियों को क्यों मार दिया जाता है, जब बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, इतना आप उन्हें प्यार करते हैं, उसके बावजूद 1000 लड़कों पर 700 लड़कियां क्यों? एक लड़के की चाह में बेटियों को क्यों मार दिया जाता है? एक सवाल का जवाब दीजिए, बेटी नहीं तो माँ किसे कहेगी, बेटी नहीं तो पत्नी किसे कहेंगे, बेटी नहीं तो बहने किसे कहेंगे, बेटी नहीं तो दादी नानी मासी बुआ। कोई सोच नहीं सकता कि उन बच्चियों पे क्या बीती है जिनको होने से पहले मार दिया जाता है। आइए उसका जवाब आज देना चाहूंगा गुड़गांव में मौजूदा दीवानों के लिए कि बेटियां क्या होती हैं। माफी चाहता हूं, एक बेटे की तलाश में अगर बेटियों को मार दिया जाता है तो सुनिए वो बेटा क्या करता है, अब वो बेटा कहां जाता है, जब बड़ा होने के बाद निकाल देता है घर से कैटला उससे। आज भी बेटियां अपना ससुराल छोड़कर आ जाती हैं, जिन घरों में ये बातें होती हैं। बड़ा मुश्किल है भक्ति करना, नाचना बहुत आसान है, लेकिन अब देखना चाहता हूँ बाबा के बच्चे कितना बाबा को प्यार करते हैं। मात पिता सब तो बेटी पल पल रो, तो बेटी हर दम रो, तो बेटी पल पल रो। आइए जरा सुनिए उन बच्चियों की आवाज जो कुदरत पर जाती है, जो बच्चियों को मारते हैं, उन्हें नवरात्रों में कंजी के पूजने का भी कोई हक नहीं है, उन्हें दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को आती है गिड़गिड़ाने की भी कोई जरूरत नहीं। माँ और बाप की दुख में शामिल बेटी हो हर बार, बेटा बाप से हिस्सा मांगे, बेटी मांगे प्यार, साईं कैसा रिश्ता।
बाबा ये कैसा रिश्ता, साईं ये कैसा रिश्ता, बाबा ये कैसा रिश्ता, कैसा रिश्ता बाबा ये कैसा रिश्ता, मार बाप के दुख में शामिल। सुनिए जरा बेटी और खेते में फर्क क्या, बेटी तो है धन पराया, काश से कोई कम रख पाया, बेटी को तो जाना पड़ता, बेटी को तो जाना पड़ता, एक दिन है ससुराल, साईं जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। आंखों में आंसू है क्योंकि एक सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं हम, जिन घरों में बेटियां, अगर आप सच्चाई गा रहा हूं तो दोनों हाथ ऊपर। नीतीश कुमार दावला साहब पीएम हो, बहुत बड़े वाले इस बेटी को फोन पिता मार रहा है, बाबा की लीला भी देखी है। जब वो घर से विदा होती है तो सबसे पहले अपने पिता को ढूंढती है। कहा दो डोली ना ठायो जे मेरा बाबू लाया नी, अजे मेरा बाबू आया नहीं, अजे मेरा बाबू ना आया, कैसा रिश्ता बाबा ये कैसा रिश्ता, साईं ये कैसा रिश्ता, बेटी कहे भाई क्यों अपनी बदनामी करवाता है, बदनामी करवाता है, बदनामी करवाता है।
जवाब से समा बेटी मांगे बेटी हो हर बेटा बाप से इस मांगे बेटी मांगे प्यार कोई सोच सकता है उस बच्ची पर क्या बीती है मत मारो ना पापा हाँ शादी हूँ आपके पास अब ताली नहीं बजेगी क्योंकि सच्चाई है सजदा कीजिए और जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जिस बच्चे को मार देना उसकी आवाज कुदरत पर जरूर जाती है मत मारो ना पापा आना चाहती हूँ आपके पास देखना चाहती हूँ आपके से मैंने सुना था बाबा ये दुनिया जीने नहीं देती लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये दुनिया अंदर भी जीने नहीं देती क्या होता है उन घरों में जो बेटी की तलाश में बेटियों को मार देते हैं जरा सर जमीन के क्यों चक्कर में लड़ता है तू बाप से भाई को कहती है ये बहना काबू नहीं तू आप में साईं ये कैसा रिश्ता बाबा ये कैसा रिश्ता जो बेटियों की इज्जत करते हैं दोनों हाथ ऊपर मेरे साईं के दरबार जिन घरों में बेटियां हैं वो हाथ उभर कर जिन घरों में बहने हैं वो हाथ उभर बाबा जी मेरी बेटी चली ससुराल बाबा ये कैसा रिश्ता पंकज राज की कोई हाथ अहमियत नहीं है लेकिन अगर बेटी नहीं हो इनाम
वो दिन दूर नहीं है कि हम किसको माँ कहेंगे। बेटी का वजूद खत्म हो गया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम रक्षाबंधन में बहनों की तलाश करें। मत मारिए उनको जिसकी कुदरत भी उस गुनाहों की सजा माफ नहीं करता। और बेटी को मारने वाले लोग इस दुनिया में क्या इस जहान में भी खुश नसीब नहीं हो सकते। और आइए, मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप अपनी बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दें। और यदि आपको अच्छा लगा है अल्फाज ये जज्बात, हमारा तमाम साहिद इस परिवार, आदर माने श्री नरेश राज जी जो हमारे पंकज जी के पिताश्री हैं, हमारा राजू साउंड राजेश भाई हमारे दिल्ली से, हमारा परिवार जो कि चित्रकार है बहुत अच्छा बाबा का अक्स करते हैं, चौहान डेकोरेटर ये दरबार। और उसके बाद यदि आपको लगता है ईसाई संसार मित्र मंडल जिन्होंने ये यज्ञ रचा है, आपको लग रहा है कि बाबा की असीम कृपा हुई है, मैं चाहूँगा सभी के लिए जोरदार ताली बजा दूँ कि बेटियाँ उन्हीं घर में होती हैं, बेटियाँ बड़े नसीब से घरों में होती हैं, बेटियाँ बड़े नसीब से घरों में होती हैं, किंतु होती वही भाई जहाँ पर साई की नजर होती है, उन्हीं घरों में बेटियाँ।